Hello everyone, so today it is 9th February and 2024 we are going to solve some PYQs of transport in plants chapter of class 11th plant physiology. So start karte hain question number 1 se. The process responsible for facilitating loss of water in liquid form from the tip of grass blades at night and in early morning is. Question samajhiye. कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर जो वाटर का लॉस होता है उसको फैसिलिटेट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में फ्रॉम द टिप ऑफ जो ग्रास की ब्लेड होती है उसकी जो टिप होती है बेसिकली ये ग्रास है ठीक है इसकी ब्लेड ये इसकी जो टिप होती है यहां से एट नाइट नाइट में और जो अर्ली मॉर्निंग में ठीक है तो कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है वो यहाँ पे हमें बताना है तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इसका रूट प्रेशर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन कैसे देखिए अब मैं आपको रूट प्रेशर के बारे में बता देती हूँ यहाँ पे हम पहले चैप्टर को जो है पहले चैप्टर के बेसिक्स हम इसमें नहीं कर सकते ऐसे ठीक है जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उसका जो ऑप्शन होगा उससे इंटरलिंक्ड जो कंसेप्ट सब टॉपिक या टॉपिक होंगे वो हम साथ के साथ करते चलेंगे ऐसे एक साथ यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा सकता तो यहाँ पे जैसे रूट प्रेशर आया तो मैं रूट प्रेशर को आपको अच्छे से बता देती हूँ कि ये होता क्या है देखिए रूट प्रेशर एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये जो है कहाँ पे डेवलप होता है ट्रेकियरी एलिमेंट में नाइट में रात के समय में जो ट्रेकियरी एलिमेंट होता है ये वहां पे जो है डेवलप होता है और अर्ली मॉर्निंग में भी रूट प्रेशर जो है इज कॉज्ड बाय ये एक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है मिनरल न्यूट्रिएंट आयंस का उसकी वजह से ये होता है रूट जाइलम में बिना ट्रांसक्रिप्शन के विदाउट ट्रांसक्रिप्शन के ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर विदाउट ट्रांसपिरेशन टू कैरी द आयंस बिना वाटर के लॉस के आयंस को स्टेम के जो है ऊपर साइड यानी अपवर्ड मूव कराना उसको दे एक्यूमुलेट ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होते इकट्ठा होते हैं यानी कि रूट जाइलम में और वाटर के पोटेंशियल को वहां पे लोअर कर देते हैं यानी कम कर देते हैं वाटर फिर क्या होता है सोयल में डिफ्यूज हो जाता है सोयल के जरिए रूट जाइलम में डिफ्यूज हो जाता है ऑस्मोसिस की वजह से ऑस्मोसिस में क्या होता है हाइयर प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है ना तो ऑस्मोसिस के कारण वाटर जो है सोइल की मदद से रूट में डिफ्यूज हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम रूट प्रेशर लेकिन अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ यहाँ पे हमारे पास जाइलम फ्लोइंग वगैरह का जिक्र आता रहेगा तो क्यों ना एक बार मैं उसका बेसिक आपको बता दूं हाँ वो बेसिक हम समझ लेते हैं बाकी अपना जो उसके हिसाब से चलेंगे क्वेश्चन के वाटर के ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं अलग अलग मैं बताती हूँ कि वाटर का ट्रांसपोर्ट किस में क्या क्या हो सकता है मतलब इनऑर्गेनिक जो भी हमारे पास होता है उसको हम वाटर में कंसिस्ट करेंगे मिनरल ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड हो सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हो सकते हैं फूड में सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर भी इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक हार्मोन्स में अगर मैं बात करूँ तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं अब सबसे पहले हमारे पास है जाइलम यूनिडायरेक्शनल यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ये जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है किसके ट्रांसपोर्टेशन का वाटर के काफी इजी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको आप याद कर लेना यहीं पे फ्लोएम की अगर बात करी जाए तो ये इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मल्टी डायरेक्शनल होता है यानी कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता स्लो होता है लेकिन फूड का ये जो है मल्टी डायरेक्शनल और स्लो क्या करते हैं मतलब किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोन्स पोलर ऑक्सीन में जैसे कि ऑक्सीन में क्या होता है ऑक्सीन का जैसे कि एक ही डायरेक्शन में यानी कि अप टू डाउन डाउन टू अप काइंड ऑफ यहाँ पे आप मोड ऑफ जो है हाँ मिनरल एक और मिनरल रह गया जाइलम हो गया फ्लोएम हो गया हार्मोन्स हो गया मिनरल को और देख लेते हैं इसका जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है जाइलम के द्वारा होगा तो यूनिडायरेक्शनल होगा और फ्लोएम के द्वारा बाय यानी कि दोनों डायरेक्शन दो डायरेक्शन में या फिर मल्टी डायरेक्शनल फ्लोएम के द्वारा कहां पे बाय या मल्टी डायरेक्शनल
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या शॉर्ट डिस्टेंस, एक होता है लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा आपको, और लॉन्ग के बारे में भी। इसमें क्या होता है देखो, इसका क्या मतलब है, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल। इसमें देखो एक ये सेल है, देखो गैस का इसके अंदर एंट्री, ठीक है, सबसे पहला गैस, फिर यहां पे सेल के विद इन ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि ग्लूकोज का एंट्री, उसके बाद यहाँ पे क्या है इन दोनों का एग्जिट दूसरे सेल में, यानी कि इंटरसेलुलर। पहले तो इंट्रासेलुलर था फिर इंटरसेलुलर हो गया, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ मैं लिख देती हूँ, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल विद इन सेल मूवमेंट, सेल के अंदर विद इन तो हो रहा है ना, विद इन एक सेल के अंदर एक गैस और ग्लूकोज का मूवमेंट जो है एंट्री एग्जिट हो रहा है, सेल टू सेल मूवमेंट। ऑब्वियसली सेल टू सेल भी हो सकता है, एक सेल था ये दूसरा सेल था, सेल टू सेल हो गया, सेल टू सेल मूवमेंट। चार तरीके से ये हो सकता है, कौन सा, पहला डिफ्यूजन, इनको भी देखेंगे क्या होता है थोड़ा सा अलग से। फिर हमारे पास होता है एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर आता है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमलाइन। ये इन चारों जो है प्रोसेसेस के थ्रू हो सकता है क्या शॉर्ट डिस्टेंस मींस। अब यहां पे लॉन्ग की बात कर लेंगे, मान लो ये हमारे पास स्टेम है, ये इसकी लीफ है, ये ए और ये बी, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे फूड का जो सिंथेसिस होगा वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हुआ है, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया, यानी कि लीफ टू यहाँ पे रूट, एक लॉन्ग डिस्टेंस ही तो हुआ ना बेसिकली। देखो यहाँ पे एक साइड में इसका मतलब आपको बता देती हूँ, और किसके थ्रू होता है वो यहाँ पे बात कर लेंगे। मीनिंग क्या है देखो, ए यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखा है और यहाँ पे बी है, ए पॉइंट का मतलब है पॉइंट ऑफ सिंथेसिस, यहाँ पे जहाँ पे उसका किसी भी मटेरियल का सिंथेसाइजेशन हुआ है। बी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ यूज, सिंथेसाइज तो यहाँ हो गया अब लेकिन यूज तो बी पॉइंट पे होगा, पॉइंट ऑफ यूज, तो ये होता है इनमें फर्क। नेक्स्ट हमारे पास अकर बाय जाइलम और फ्लोएम, दोनों के द्वारा हो सकता है, बाय कौन सा प्रोसेस होगा, ट्रांसलोकेशन, यानी कि ट्रांसलोकेशन ही तो आना है, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे गया, यानी कि मतलब क्या है इसका ट्रांसलोकेशन। शॉर्ट से काफी इजी है क्योंकि शॉर्ट में जो चार मैंने आपको बताए वो मेरे को समझाने पड़ेंगे थोड़े से, ठीक है, उनके बारे में हम अभी बात करेंगे आगे कि ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या फिर डिफ्यूजन, एक्टिव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या कुछ होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फीचर्स इसके देख लो एक बार, फीचर्स क्या क्या होते हैं, फास्ट होता है ये, पैसिव यानी कि कोई एटीपी एनर्जी वगैरह का यूटिलाइजेशन नहीं चाहिए होता है इसको, नॉन स्पेसिफिक, किसी भी कहीं का भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ, मतलब कि कोई भी इसका पॉइंट ऑफ यूज हो सकता है, कोई भी इसका पॉइंट ऑफ सिंथेसिस हो सकता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक जो है इसकी सिंथेसाइजेशन या फिर यूज साइट नहीं होती।
अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ, जो पीछे मैंने आपको उसके शॉर्ट की डिस्टेंस के बारे में बताया था, वो चार उसके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके बारे में सबसे पहले इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले इसको मैं वर्बली सुनो आप एक बार, हेल्प्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, किसके द्वारा, मतलब ये हेल्प्ड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो होते हैं उससे मदद लेते हैं, सर्कुलेशन, साइटोप्लाज्म का सर्कुलेशन होता रहता है, एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, चेंज पोजीशन, जो ऑर्गेनेल होता है उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स में होता नहीं, इतनी चीजें आप इसके बारे में याद रख लोगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो ये एक तो ये था, इसमें क्या हो रहा है, ये ऑर्गेनेल है, ये ऐसे सर्कुलर मूवमेंट हो रही है इसकी, ठीक है, ये अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे, मतलब बेसिकली पोजीशन चेंज करता है, यहाँ से फिर यहाँ पे चला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स का जिक्र आया है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल की पोजीशन, ऑर्गेनेल जो होता है उसकी पोजीशन चेंज करता है, और सेल ऑर्गेनेल्स जो है आपको पता भी होगा, पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट होते हैं क्योंकि मॉडिफाइड नहीं होते, यूकैरियोटिक होते हैं जिनके पास मॉडिफिकेशंस होती है, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह प्रेजेंट होती है, एक्टिव यानी कि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑब्वियसली अगर सर्कुलेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म का तो क्या वैसे ही हो गया, वो सर्कुलेशन हो रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट उधर होगी। ये था साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वन, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यानी सबसे पहले पैसिव है ये वाला, रैंडम मूवमेंट यानी कि पार्टिकल्स की रैंडम मूवमेंट, या पार्टिकल या उसकी मॉलिक्यूल्स की, रैंडम मूवमेंट जो होती है पार्टिकल या मॉलिक्यूल की उसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। किसके द्वारा होती है, अगर बाय वाटर, वाटर ऑब्वियसली, वाटर और गैस क्या कोई स्पेसिफिक मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं, बिल्कुल नहीं, रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडम उनका मोशन वो शो करते रहते हैं, वाटर हुआ चाहे गैस हुआ, जिस भी प्रकार के कंटेनर में हम इनको एग्जर्ट करते हैं उसी प्रकार की ये शेप को अटेन कर लेते हैं। नेक्स्ट है नेट मूवमेंट, इसकी कैसी होती है, डिफ्यूजन की मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, हाई कंसंट्रेशन टू लो, कैसी होती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन होती है। फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन सा, सबसे पहला ध्यान रखोगे साइज, अगर स्मॉल साइज है मॉलिक्यूल या पार्टिकल का तो लार्ज डिफ्यूजन होगा। जो पॉइंट यहाँ पे अब लिखे जा रहे हैं उनको अच्छे से याद रखना है, स्मॉल साइज है अगर तो जो डिफ्यूजन होगा वो लार्ज होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर के साथ साथ डिफ्यूजन बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स या जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी रैंडमनेस बढ़ती है, ठीक है, और रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल डिफ्यूजन कहलाता है, तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ा तो यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो भी डिफ्यूजन क्या होगी, इंक्रीज ही होगी, ठीक है, ये तीन फैक्टर हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स की बात करें, जब हम पूरा मतलब अब पढ़ने लग गए तो मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। सम फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, अकर इन सोलिड, सोलिड में ये जो है टेक प्लेस, नोट ऑफ सोलिड, सोलिड के अंदर, इन
सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है, सॉलिड ऑफ सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, ये याद रखेंगे, नॉट ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन होता है, अकर फॉर गैस, गैस या फिर जो भी लिक्विड होगा उसके लिए होता है, ऑब्वियसली वाटर एंड गैस पहले बात कर चुके हैं हम, पैसिव होता है, नॉट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये बात कर चुके हैं, डायरेक्शन की अगर बात करी जाए तो हाई टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि जिसको हम डाउन हिल भी बोल सकते हैं। यूजेस की बात करी जाए अगर सबसे पहला इसमें हमारे पास क्या है, इन प्लांट्स ऑल लिविंग सेल्स। यूजेस की अगर बात करूं मैं डिफ्यूजन की, प्लांट्स में जो है हर एक लिविंग सेल के द्वारा डिफ्यूजन होता है, यानी कि गैस, ऑब्वियसली गैस मूव करती है, गैसेस मूव ओनली बाय डिफ्यूजन, और गैसेस एक्सचेंज तो प्लांट्स में लिविंग सेल्स में होता ही रहता है। जो वाटर मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस के द्वारा, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही होती है, वाटर मूवमेंट। अब घूम फिरा के देखो, वही बातें बार बार रिपीट हो रही है, एक बार स्टार्टिंग में बता दी गई थी वाटर और गैसेस, थोड़ा सा अब आपको अपना जो है माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर मूवमेंट जो होती है ऑस्मोसिस के थ्रू, उसमें भी डिफ्यूजन का हाथ होता है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको पूरा डिफ्यूजन के बारे में बता दिया है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। पैसिव होता है ये भी, फर्क क्या है डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, सिर्फ एक फर्क है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हाई टू लो कंसंट्रेशन, यानी कि वही जो अपना पीछे का डाउन हिल होता है, लेकिन चैनल्स होते हैं यहाँ पे, मोड ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो चैनल्स के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में, ठीक है। जैसे कि सेल वॉल जो होती है इसमें, वो रिजिड और परमिएबल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, गैस इसमें ऑक्सीजन कार्बो CO2 होती है, लिपिड मॉलिक्यूल डिफ्यूजन होता है, H2O ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो देखो ये जैसे हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे जो है क्या लगे होते हैं, चैनल से लगे होते हैं, ठीक है, चैनल बोलते हैं हम इसको, सोडियम का और ग्लूकोज का, मतलब ये चैनल जो है हमेशा स्पेसिफिक टू सब्सटेंस होते हैं, ग्लूकोज हो गया जैसे कि, या फिर हो सकता है क्या हाइड्रोफिलिक होते हैं, यानी कि पोटेशियम क्लोरीन पोलर एटसेट्रा, ये कैसे भी, तो ये इन चैनल के थ्रू, जो भी इसका स्पेसिफिक चैनल होगा उसके थ्रू जो है ये सेल के अंदर मूवमेंट करते हैं, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि डाउनहिल जब भी किसी भी चीज का, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन होता है, यानी कि डाउनहिल जिसको हम बोलते हैं, तो कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर अपहिल मूवमेंट हो रही है, यानी कि लो टू अप हो रही है, लो टू हाई कंसंट्रेशन हो रही है, तो उस दौरान क्या है उसको हम बोलते हैं एक्टिव, वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे तीन टाइप के चैनल जो है इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो तीन टाइप के चैनल कौन से हैं वो भी एक बार देख लो, छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है। एक होता है यूनिपोर्ट, इसमें जैसे मान लो ग्लूट फोर, यानी कि ग्लूकोज की मूवमेंट होती है यूनिपोर्ट में, यूनिडायरेक्शनल जिसको हम बोलेंगे, एक ही डायरेक्शन में। दूसरा हमारे पास होता है सिम पोर्ट, इसमें सिम का मतलब दो, सिम्बायोसिस में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, सोडियम भी और एक हमारे पास होता है ग्लूकोज, दोनों की साइड बाय साइड जो मूवमेंट होती है सिम पोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एंटीपोर्ट, एंटीपोड का मतलब है कि ये तो देखो एक डायरेक्शन में था दोनों का ही, इसमें एक डायरेक्शन में नहीं होता, इसमें मान लो कि जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्लोरीन जो है उससे अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि एंटी पैरेलल, समझते हो आप,
तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ये पैरेलल था, ये एंटी पैरेलल था और ये यूनिडायरेक्शनल होता है, यूनिपोट से यूनिडायरेक्शनल आप समझ सकते हो। ये था इसके बारे में। और फंक्शंस सॉरी फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं चैनल्स के जो मैंने यहाँ पे बताया आपको। सबसे पहला इनहिबिशन का काम कर सकता है ये, ठीक है। इनहिबिटर बाइंड होता है इसके पास, जो कि मतलब कि इनहिबिशन का क्या मतलब होता है, रोकथाम लगाना किसी भी फॉरेन पार्टिकल वगैरह पे। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का जो रेट होता है फिर नंबर ऑफ चैनल को इंक्रीज कर देता है, यानी सैचुरेशन रेट बढ़ा देता है। सिलेक्टिविटी का मतलब होता है तीसरा फीचर इसका, सिलेक्टिविटी यानी कि अलाउ स्पेसिफिक ओनली, कुछ स्पेसिफिक जो सब्सटेंस है उनके ट्रांसपोर्टेशन को ही अलाउ करेगा ये। नेक्स्ट जब बात करेंगे एक्टिव की, उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। लो टू हाई कंसंट्रेशन जो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको, अगेंस्ट यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यानी कि अपहिल, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसमें होगी। पंप एट द प्लेस ऑफ चैनल बट सिमिलर टू इट, यानी कि ये पॉइंट मैं बताती हूँ आगे। देखो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, फीचर क्या क्या होते हैं, ये कंट्रोल किया जा सकता है इसको, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये हमको पता है। कंट्रोल ऑफ चैनल एंड पंप, यानी कि कंट्रोल ऑफ जो चैनल होता है उसका कंट्रोल एंड पंप, यानी कि कैन बी कंट्रोल, ये हार्मोनल या केमिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था लोकोमोशन जो होता है चैनल्स और पंप्स का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है या फिर जो वैक्यूल की टोनोप्लास्ट लेयर होती है उसके थ्रू होता है। तो ये थी इसके बारे में बेसिक बातें सारी, जो है हम लॉन्ग शॉर्ट वगैरह पढ़ चुके हैं, जो बेसिक बातें मुझे लग रहा था कि आपको अभी पता होनी चाहिए वो भी हमने डिस्कस कर ली है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था ऑलरेडी, जिसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या था, रूट प्रेशर। फर्स्ट यहां पे मैं आपको प्लास्मोलाइसिस बता देती हूँ क्या होता है। देखो प्लास्मोलाइसिस एक प्रोसीजर होता है साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज का, यानी कि उसका सिकुड़ना, किसके वजह से ऐसा होता है, वाटर का लॉस अगर सेल से ज्यादा हो जाए, हाइपरटोनिक कंडीशन जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज हो जाता है। हाँ, और ऑस्मोसिस भी बता देती हूँ थोड़ा सा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल की प्लांट सेल्स के जरिए हाई कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूशन से लेकर टू लेसर कंसंट्रेटेड वन। ट्रांसपिरेशन आपको पता है, वाटर के लॉस को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। अब मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमें मूव करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ, किसका फीचर, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट इन प्लांट्स, किसका फीचर नहीं है। अभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला हम करके आए हैं, तो रिक्वायर्स एटीपी, बिल्कुल ये तो है। अकर्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट, ये भी था, बिल्कुल था। नॉन सेलेक्टिव, ये गलत था, क्या है वहां पे मैंने आपको सेलेक्टिव नहीं बताया था, सेलेक्टिव होता है ये। अकर थ्रू मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू होता है ये। डी सी वन जो है इसका इनकरेक्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है हमेशा अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट काम करता है एंड रिक्वायर्स, और क्या रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट होती है इसकी, एडिशनल इनपुट ऑफ एनर्जी जो चीफली कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, एटीपी के हाइड्रोलिसिस से। इट इज हाईली सिलेक्टिव होता है। और ये दो टाइप के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्स्ट्रा बता रही हूँ अभी से रिलेटेड। एक होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट यानी एटीपी को यूज करता है, उसको यूटिलाइजेशन पे ये काम करता है। एक होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो यूज करता है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट को। एग्जाम्पल एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन सा है, अपटेक ऑफ ग्लूकोज, जो इंटेस्टाइन्स होते हैं हमारी, वहां पे जो ग्लूकोज का अपटेक होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है। What will be the direction of flow of water when a plant cell is placed in a hypotonic solution? कौन सा direction of मतलब कि क्या flow of water की direction होगी जब एक plant cell को हम hypotonic solution में रखते हैं। Hypotonic होता है less concentration वाले, ठीक है, required से less concentration है तो hypo बोलते हैं, और अगर जो एक normal से या required से ज़्यादा concentration हो जाए तो उस condition में हम hypertonic use करते हैं word। तो कौन सा आएगा यहाँ पे, ये देखेंगे अब। नो फ्लो वाटर इन एनी डायरेक्शन, ये गलत है, हाइपोटोनिक में ऐसा नहीं होगा, वाटर विल गलत है, आउट ऑफ द सेल नहीं। देखो कोई चीज किसी, देखो मान लो एक ग्लास है,
ग्लास में पूरा आपने पानी ऊपर तक भर दिया, अब आप इसमें फिर भी भरे जा रहे हो, अब इसमें स्पेस नहीं है, तभी तो ये आउटसाइड बाहर की तरफ गिरेगा ना। अगर ये पूरा भरा ही नहीं है तो बाहर कैसे गिरेगा। तो ये तो हाइपो की बात करेगा, यानी कि कम है। ज्यादा होता हाइपरटोनिक होता तो बाहर की तरफ जाता, अब कम है यानी कि वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, अब वो अंदर ही अंदर उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनटू द सेल ही होगी। ठीक है, तात्पर्य समझ पाए होगे आप। जब एक प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दे तो वाटर भी फ्लो वो अब सेल्स में फ्लो करता है एज वाटर मूव फॉर, क्योंकि वाटर जो है हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है इस कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मेन डिफरेंस बताना है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बीच में अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन इज, क्या है मेन इसका डिफरेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर मोर रैपिडली देन पैसिव, गलत है। पैसिव नॉन सिलेक्टिव होता है, एक्टिव सिलेक्टिव होता है, पैसिव भी सिलेक्टिव होता है। ये कोई इनके बीच का डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक कंसंट्रेशन अगेन रिक्वायर्स अ कंसंट्रेशन, और एक्टिव रिक्वायर्स एनर्जी टू मूव सॉल्यूट्स। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट कन्फाइंड टू एनायनिक, वेयर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कन्फाइंड टू कैटायनिक। नहीं, ये होता है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पूछा नहीं, ये कोई डिफरेंस नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। देखो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल्स है वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, किसकी मदद से, मोबाइल कैरियर प्रोटीन या एटीपी की मदद से। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, यानी कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, वॉटर वेपर कम्स आउट फ्रॉम द प्लांट। जो वॉटर वेपर है वो प्लांट की लीव से बाहर आ रहे हैं स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। दो द सेम स्टोमल स्टोमेटल ओपनिंग CO2 डिफ्यूजेस इन टू प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस थ्रू द सेम। अच्छा, मैंने दो पढ़ लिया इसको। थ्रू उसी सेम स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट के अंदर डिफ्यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। रीजन आउट द अबव स्टेटमेंट, जो दोनों स्टेटमेंट है इसको रीजन आउट करो यूजिंग वन ऑफ द कोई एक फॉलोइंग ऑप्शन सेलेक्ट करके, तो कौन सा आएगा करेक्ट वो देखना है। बोथ प्रोसेसेस कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली, गलत है। साइमल्टेनियस के मतलब एक साथ, एक मतलब की टाइम पे, गलत है। दोनों प्रोसेसेस कैन हैपन टुगेदर, बिल्कुल एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ वाटर होता है वो और जो CO2 का होता है वो अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वो प्रोसेसेस हैपन ओनली ड्यूरिंग, नहीं नाइट टाइम में नहीं, ओनली प्रोसेसेस कैन अकर ड्यूरिंग डे टाइम, एंड ये कोई स्पेसिफिक ऐसा टाइम पीरियड नहीं होता इनका। तो देखो, एक्टिवली ग्रोइंग प्लांट्स में अगर मैं बात करूं, जो एक्टिवली ग्रोथ पे हैं प्लांट्स, वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता रहता है उनके लीफ सेल के सरफेस से थ्रू स्टोमेटल ओपनिंग एक्सपो, जो कि एयर के साथ एक्सपोजन में होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सेम स्टोमेटल ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट में डिफ्यूज इन होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान साइमल्टेनियसली, क्योंकि जो दोनों प्रोसेस होते हैं सिंपल डिफ्यूजन का, प्रोसेसेस किसके हैं, सिंपल डिफ्यूजन के हैं। अकर्स इन ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, और इन दोनों के बीच में एक डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट होता है, या उसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये रीजन है कि ये दोनों क्या है, एक साथ साइमल्टेनियसली अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। कौन सा इनमें से क्राइटेरिया जो है पर्टेन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का नहीं है, ये पूछा गया है। हाई सिलेक्टिविटी बिल्कुल था उसमें अपना फैसिलिटेटेड में, ट्रांसपोर्ट सेचुरेशन भी था, अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं, गलत है। अपहिल तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में था, फैसिलिटेटेड तो पैसिव है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस एक बार चीजें समझने की जरूरत है, क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। फैसिलिटेटेड मैंने आपको कैसा बताया था, पैसिव, और एक्टिव में ही तो जो एक्टिव होगा वहां पे अपहिल की रिक्वायरमेंट, अपहिल होता है यानी कि जहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये गलत है। स्पेशल मेम्ब्रेन ये ठीक है। देखिए, सब्सटेंस दैट हैव अ हाइड्रोफिलिक मोइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। वो सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोफिलिक जो है नेचर होता है, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर से फियर करें, ठीक है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू पास थ्रो, उनके लिए मेम्ब्रेन से पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देयर मूवमेंट हैज टू बी फैसिलिटेटेड बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, उनके मूवमेंट किसके द्वारा फैसिलिटेट की जाती है, मेम्ब्रेन प्रोटीन के जरिए बिना एटीपी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है कैन नॉट कोज नेट ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ अपहिल, अपहिल नहीं होती, हाई टू लो यानी कि डाउन हिल होती है। ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम, ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो एक मैक्सिमम लेवल पे रीच कर जाता है जब
सारे प्रोटीन के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो यूज हो जाए यानी कि सेचुरेशन के दौरान, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका इनकरेक्ट है, ये डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है मूवमेंट जो होती है आयंस या मॉलिक्यूल्स की एक डायरेक्शन में जो कि अपोजिट हो टू दैट ऑफ परवेलिंग, जो दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट है जो उसके अपोजिट हो उसको क्या बोलेंगे हम, इज नोन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। देखिए जो मूवमेंट होती है आयंस की अगेंस्ट अगेंस्ट यहाँ पे प्रीवेलिंग, ठीक है हिंदी रखा, अगेंस्ट कंसंट्रेट, ये वैसे अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट हमारे पास आ गया था, इस वर्ड से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते थे, ठीक है अगेंस्ट या फिर अपोजिट एक ही तो बात हो गई ना, उसके खिलाफ या अपोजिट, तो यहाँ से इस वर्ड को आप पकड़कर एक्टिव जो है सोच सकते थे। तो मूवमेंट जो होती है आयंस की अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट इन्वॉल्व करती है एनर्जी का एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली हमें पता है एटीपी का। डिफ्यूजन इन्वॉल्व करती है मूवमेंट किसका, सोल्यूट पार्टिकल्स का एक हाई कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन तक। पाइनोसाइटोसिस की अगर मैं बात करूँ वो सेल ड्रिंकिंग होते हैं, वो सेल का मतलब पाइनोसाइटोसिस उसको बोलते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये रैंडम आगे या पीछे की तरफ जो मूवमेंट होती रहती है एटम या मॉलिक्यूल्स की, उसके रैंडम मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। तो मैंने चारों आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट है अगर एक सेल ए विद डी पी डी फोर बार्स इज कनेक्टेड टू सेल बी सी डी, अगर एक सेल ठीक है जिसके पास डी पी डी फोर बार्स है उसको हम कनेक्ट कर दे सेल बी सी ओ डी से, जिसका ओ पी और टी पी आर रिस्पेक्टिवली 4, 10, 5, 7, 3 bars, और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो क्या होगा, फ्लो ऑफ वाटर बताना, ठीक है इसको थोड़ा सा सोल्व करके देख लेंगे। डीपीडी या इसको हम बोल सकते हैं सक्शन प्रेशर, क्या फॉर्मूला होता है इसका, ओपी माइनस टीपी, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी कि हैंस जो डीपीडी है फोर ए वो कितना दे रखा है 4 bars, बी के लिए कितना दे रखा है 0 bars, सी के लिए 5 bars और डी के लिए कितना 4 bars। हम जानते हैं जो डायरेक्शन होती है मूवमेंट ऑफ वाटर की वो लोअर डीपीडी यानी कि लोअर सक्शन प्रेशर टू हायर डीपीडी होती है, दस जो फ्लो होगा विल बी फ्रॉम कहाँ से, बी टू ए सी डी, यानी कि बी से लोअर टू हायर बात करी गई ना यहाँ पे, लोअर टू हायर यानी बी टू ए सी एंड डी, बी से ए सी डी तक होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, एट्थ का सी ऑप्शन बी टू ए सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो मूवमेंट होती है मिनरल आयंस की इनटू प्लांट रूट सेल में एज अ रिजल्ट ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड, क्या क्वेश्चन है, जो मूवमेंट होती है मिनरल आयंस की एक प्लांट रूट सेल में डिफ्यूजन की वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ मिनरल इनटू प्लांट रूट सेल, हाँ ठीक है क्या आएगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑस्मोसिस मूवमेंट होती है सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ एक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले रीजन से लेकर एक हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले रीजन तक थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्वॉल्व करता है एटीपी के यूज को, दोबारा समझिए ऑस्मोसिस जो है वो मूवमेंट होती है किसकी, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की फ्रॉम अ रीजन ऑफ एक लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले रीजन से लेकर एक हाई सॉल्यूट वाले कंसंट्रेशन रीजन तक एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो है वो इन्वॉल्व करती है यूज ऑफ एटीपी के यूज को इन्वॉल्व करती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफर इन किस चीज में डिफर करते हैं, यानी कि इनके बीच का एक हमें अच्छा खासा डिफरेंस बताना है, ठीक है नॉर्मली। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट नॉन सिलेक्टिव होती है, गलत है, पैसिव ट्रांसपोर्ट अलोंग कंसंट्रेशन वाले बिल्कुल ठीक है, वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्यू टू मेटाबोलिक एनर्जी बिल्कुल ठीक है, या फिर यहाँ पे इसके प्लेस पे आपके पास अगेंस्ट भी आ सकता था, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा इन्वॉल्व करती है एक्सपेंडिचर एनर्जी का फॉर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि उसको हम मेटाबोलिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। मोर रैपिड ये कन्फाइंड टू एनएन वाली नहीं, द वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर, जो वॉटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो कितना होता है,
सबसे पहले तो वाटर पोटेंशियल इसकी यूनिट पास्कल होती है, प्रेशर होती है, डायरेक्शन इसकी क्या होती है, मोर H2O मॉलिक्यूल मोर रैंडम। देखो जितने ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा रैंडमनेस होती है, ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा साई हाई, यानी कि साई क्या होता है, देखो ये होता है, ये वाटर पोटेंशियल की हम इस साइन का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं साई, उतना ही ज्यादा साई हाई होगा, मतलब कि उसकी साई हाई नहीं, साई की जो डायरेक्शन होगी वो हाई टू लोअर कंसेंट्रेशन होगी, ये याद रखना आपको। जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को, यानी कि वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को, वो क्या क्या है, सोल्यूट प्लस प्रेशर, साई सोल्यूट प्लस साई प्रेशर। तो अब यहाँ पे क्या बताना है हमें, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है ये बताएंगे, अब लेस देन जीरो मोर देन जीरो याद रखना है आपको, जो वाटर पोटेंशियल है प्योर वाटर का जीरो होता है, सिंपल याद रखना है। कन्वेंशन के द्वारा जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, जो कि प्रेशर के अंडर नहीं होता, इस टेकन टू बी, उसको हम जीरो कंसीडर करते हैं, यानी कि साई ऑफ वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। विच वन गिव्स द, कौन सा इनमें से जो है मोस्ट वैलिड और रिसेंट एक्सप्लेनेशन स्टोमेटल मूवमेंट की देता है हमें, ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन है पोटेशियम इनफ्लक्स एंड एफ फ्लक्स, इनफ्लक्स अंदर की साइड आना, एक्स फ्लक्स बाहर जाना, ये तो देखिए अब इसको मैं बता देती हूँ, ध्यान से सुनना। जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, ये किसके द्वारा होती है, इनफ्लक्स और एफ फ्लक्स जो होता है पोटेशियम आयंस का, उसके द्वारा होती है, किसका, पोटेशियम आयंस का। तो अगर पोटेशियम इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, और अगर पोटेशियम डिक्रीज होते हैं तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्लोज होता है, याद रखना है। तो जो टर्जिडिटी होती है गार्ड सेल्स की, वो इंड्यूस कर देती है किसके, स्टोमेटा के पोर्स की ओपनिंग को, जो कि लीव्स ऑफ सरफेस पे पाई जाती है। ये था पोटेशियम इनफ्लक्स और या एनफ्लक्स जिसको हम बोल सकते हैं। गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस का जिक्र नहीं है, ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस नहीं है, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन नहीं, ये हमारे पास नहीं है। When, जब एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन पोजेस करता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इस प्लेस जो कि ग्लास कंटेनिंग मराइन वाटर में रखा गया, वैक्यूल विल, वैक्यूल का क्या होगा ये पूछा गया, तो वो साइज में डिक्रीज हो जाएगा। कैसे, एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन जो है, जब वो पानी, उसको मराइन वाटर मीडियम में हम रखते हैं, तो वहां से लॉस ऑफ वाटर होता है, यानी कि वाटर का लॉस होता है, दैट इज जिसको हम बोलते हैं एक्स ओस्मोसिस। हैंस जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है वो साइज में डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है दो सेल्स ए और बी कॉन्टिजुअस है। सेल ए का जो ऑस्मेटिक प्रेशर है वो कितना है, 10 atm, टर्गर प्रेशर जो है वो 7 atm है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट 3 atm है। सेल बी की अगर मैं बात करूँ, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 8 है, टर्जर प्रेशर 3 है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उसका 5 है। रिजल्ट विल बी, तो क्या होगा इसका रिजल्ट ये पूछा गया है। नो मूवमेंट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम बिटवीन टू मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल ए से बी तक, बिल्कुल ठीक है, ये 10 था, ये हमारे पास यहाँ पे 8 था, हाइयर टू लोअर जाता है, इसका टर्गर प्रेशर 7, इसका टर्गर प्रेशर 3, इसका 3 और इसका 5, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका ज्यादा था, तो ए टू बी। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ, जो मूवमेंट होती है वाटर की वो हमेशा लो डीपीडी टू हाई जाती है, यानी कि फ्रॉम ए टू बी, ए में कम है, एक मिनट, टर्गर प्रेशर 7 है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूजन प्रेशर इसमें 3 है और इसका 5 है, तो लो टू हाई, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। देखिए डीपीडी का मतलब होता है ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो दे रखा है ना, ये होता है डीपीडी। हाँ, पीछे भी हमने किया था और मैं शायद आपको ये बताना भूल गई, डीपीडी इसको बोलते हैं। तो हमेशा जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हमेशा ए टू बी। देखो अब समझो, जो टर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट होता है डीपीडी, वो कॉइंड बाय किसके द्वारा दी गई थी, बी एस मेयर के द्वारा 1938 में। ओरिजिनली डीपीडी जो है उसको एज अ हम सक्शन प्रेशर डिस्क्राइब करते हैं, वो किसने दिया था, सक्शन प्रेशर, रेनर ने 1915 में। इतना ये आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये एक रिडक्शन होता है डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर में इन सॉल्यूशन और सेल ओवर इट्स प्योर स्टेट, किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट इन इट, और जो फोर्स अपोज करती है डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो होता है ये अमाउंट होता है जिसके जरिए दो सॉल्यूशन एक दूसरे से डिफर करते हैं, यानी एक दूसरे के डिफ्यूजन प्रेशर से डिफर करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट बाय विच, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज अ अमाउंट जिसके जरिए जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है वाटर या सॉल्वेंट का एक सॉल्यूशन में, वो इज लोअर देन वो प्योर वाटर या
सॉल्वेंट से कम होता है। ये इजी एब्जॉर्प्शन वाटर का अलाउ करता है ड्यू टू डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। किसके कारण? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट के कारण। जब वाटर मूव करता है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर, तो कौन सा प्रेशर डेवलप होता है ये पूछा गया है। तो टीपी यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है इनसाइड द सेल। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हैं इसको हम। ठीक है, इनसाइड द सेल वॉल ड्यू टू एंडोमोसमोसिस, जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर इसका टीपी होता है या हाइड्रोस्टेटिक इसको बोल सकते हैं। ड्यू टू टर्गर प्रेशर जो रिजिड सेल वॉल है वो रेजिस्टेंस ऑफर करती है। यह जो रेजिस्टेंस है विच वर्क, जो कि एक डायरेक्शन में वर्क करती है जो टर्गर प्रेशर के अपोजिट होती है, इज द वॉल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? वॉल प्रेशर। वॉटर पोटेंशियल जो होता है एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल का इज। वॉटर पोटेंशियल पूछा गया है एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सेल का क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमेशा याद रखोगे नेगेटिव होता है। किसका? वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। वाटर पोटेंशियल इज रिगार्डेड एज द, ये टेंडेंसी होती है वाटर की कि वो एक सिस्टम को छोड़ के जा सके, उसको बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। प्योर वाटर का हमेशा हाईएस्ट पॉसिबल वाटर पोटेंशियल होता है जो कि जीरो होता है। जितना भी सॉल्यूशन होता है ऑल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनका वाटर पोटेंशियल हमेशा प्योर वाटर से कम होता है। तो कम होगा तो यानी कि नेगेटिव होगा, याद रखना है। वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का वो कितना होता है? तो जीरो और जीरो, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे टर्जिडिटी बढ़ती है सेल की जो कि वाटर से सराउंडेड होती है, तो वेल वॉल का जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास आएगा क्या? इंक्रीज। वॉल का प्रेशर बढ़ता है जैसे जैसे टर्जिडिटी बढ़े, ऑब्वियसली टर्जिडिटी बढ़ रही है तो वॉल के ऊपर भी तो प्रेशर बढ़ेगा ना उसका। वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल और अपोजिट होता है टर्गर प्रेशर के। वॉल प्रेशर है जिसको हम डब्ल्यू पी से डिनोट करते हैं, मे बी डिफाइंड है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये प्रेशर वो प्रेशर होता है जो सेल वॉल के जरिए एग्जर्ट किया जाता है ओवर द प्रोटोप्लास्ट टू काउंटर द टर्गर प्रेशर को काउंटर करने के लिए। नॉर्मली जो वॉल प्रेशर होता है वो इक्वल और अपोजिट होता है टर्गर प्रेशर के, यानी कि डब्ल्यू पी इज इक्वल टू टी पी। एक्सेप्ट क्या एक्सेप्शन है इसमें? जब सेल फ्लैसिड बन जाए, फ्लैसिड नहीं होना चाहिए सेल, टर्जिडिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो पी वाई क्यूज है वो फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।